भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार है, मगर मंत्रिमंडल को लेकर तीनों पार्टियों में काफी घमासान मचा था। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल न होने की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहा, मगर कल मुंबई में 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ। वहीं अब की बार महाराष्ट्र सरकार में 4 मुस्लिम भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। एनसीपी के हसन मुशर्रफ और एनसीपी के ही नेता नवाब मलिक कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। कांग्रेस के असलम शेख को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। शिवसेना के राज्य मंत्री पद की शपथ अब्दुल सत्तार को दिलाई गई। वहीं एनसीपी के जितेंद्र आभाट को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर एनसीपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। हालांकि काफ़ी खींचतान के बाद शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में कुल 36 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, जिसमें जितेंद्र आभाट का भी नाम शामिल था। जो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लिए, जितेंद्र आभाड ने खुद कहा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से आज वो यहां तक पहुंचे हैं। जितेंद्र आभाड के कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुंब्रा कलवा के एनसीपी कार्यालय पर इस मौके पर जश्न मनाया गया। कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष शमीम खान, चानू पठान और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाई। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला का करम है कि आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आभाड साहब जो मुंब्रा कौसा के दिलों में बसते हैं, जो माइनॉरिटी स्टेट में बसते हैं, आज अल्लाह ताला को वो इज्जत बख्शती है कि वाकई में हम अल्लाह इतना भी शुक्र अदा करें तो कम होगा। आज डॉक्टर जितेंद्र आभाड साहब को मंत्री पद जो उनको कैबिनेट पद मिला है, मैं और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में, हमारी बहनों के अंदर, हमारी नगर सेवकों के अंदर, पूरे शहर के अंदर आज खुशी का माहौल है। आज हम लोग अल्लाह से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी बात यह है, आज आपका डॉक्टर जितेंद्र आभाड साहब को ये जो पद मिला है, आज को ये पोर्टफोलियो मिला है, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने ये देखा है कि वो जब MLA भी थे तो भी वो पूरे महाराष्ट्र की, पूरे हिंदुस्तान की लेबरी करते थे, और आज तो उनको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है। तो आज हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो महाराष्ट्र के अंदर जो नई सरकार हुआ है, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब के क्यादत में, उसके नेतृत्व में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा काम करेगी। और जो भी हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के हालात नाजुक रह चुके हैं, उसकी अच्छा पूरी कोशिश करेगी। फिर मैं एक बार अपने आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे आमदार साहब को जो कीमती वोट देकर जिताया था, आज उसका ही फल है। थैंक यू। बोलना क्या है कि सबसे पहली बात तो कलवा मुंब्रा के लिए खुशी की बात है कि हमारे लाडले MLA वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, और दूसरी बात ये कि हमें यकीन है कि महाराष्ट्र का विकास के साथ साथ जो उनको पोर्टफोलियो मिलेगा उसका तो उसके जरिए वो महाराष्ट्र का विकास करेंगे। लेकिन मुंब्रा कौशल के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आने वाले वक्त के अंदर मुंब्रा कौशल का शहर जो है वो और डेवलप होने वाला है, और तरक्की करने वाला है, और सब की मिनिस्ट्री से ये मोहर लग गई। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।